वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है, हम एग्जांपल्स करेंगे ब्रांचेस के ही। चार आर्टिकल्स हम कर चुके हैं और उसके बाद हमारे पास पहला एग्जांपल है। ये फर्स्ट एग्जांपल में हमें कहा गया है कि दो फोर्सेस हैं जो आपस में काट नहीं रहे हैं, पी और क्यू, और उनकी डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर है। पी और क्यू नॉन इंटरसेक्टिंग है और परपेंडिकुलर। ये पी और क्यू, हमें क्या निकालना है उनका, ये जो सेंट्रल एक्सिस, ये जो जेड वाला है ना, ये सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस से पी की दूरी है ये और क्यू की है ये, तो ये रेशियो चाहिए, ये रेशियो आना चाहिए क्यू स्क्वेयर बटा पी स्क्वेयर। ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, अब हमने क्या किया स्टार्ट, हमने कहा कि ये जो सेंट्रल एक्सिस पे रिजल्टेंट है पी और क्यू का रिजल्टेंट, हमने उसे आर के मान लिया। ये एक रेंच रेंच और ओ जेड हमने माना सेंट्रल एक्सिस। जिधर भी रिजल्टेंट रेंच होती है, रेंच के एक्सिस को सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। कोई भी रेंच जिस एक्सिस पर होती है उसे बोला जाता है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब वो इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिस्टेंसेस को मान लिया, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, हमने निकालना यही है ए बटा बी, यही हमारा क्वेश्चन है, मतलब हमें यही निकालना है और ये हमारा आंसर है, आना चाहिए। हमने यहाँ तक करके पी और क्यू दोनों काटते नहीं है और हमें कहा गया है कि राइट एंगल पे परपेंडिकुलर है, तो अगर पी एंगल बना रहा है थीटा जेड एक्सिस के साथ और क्यू बना रहा है फाई, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं, अगर वो एंगल बना रहे हैं थीटा और फाई, तो उनका जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ तक बात हो गई, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, वो नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, हमने ड्रॉ कर लिए। मान लो ये है पी और ये है क्यू और ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई। चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने कहा कि थीटा प्लस फाई होना चाहिए 90। यहाँ ओजेड पर हमारी रेंच है आर के और ये डिस्टेंस ए है, ये बी है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं पहले जेड एक्सिस की तरफ। तो जेड एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करो, पी का जेड की तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा, पी कॉस थीटा, और क्यू का बनेगा क्यू कॉस फाई, और जेड की तरफ वैसे रिजल्टेंट है आर। अच्छा, अब इसके परपेंडिकुलर देखें, अगर हम जेड के परपेंडिकुलर, तो नेचुरल है कॉस 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो हमने यहाँ क्या किया, फाई को कहते हैं हम, इस एंगल को कहते हैं 90 प्लस फाई, इसको कुछ नहीं कहते, इसको 90 माइनस थीटा कहकर हम इसे तो साइन में ही रखते हैं। तो पहला एंगल, मतलब हम इस एंगल को तो कहते हैं कि ये अब बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा और ये बनेगा 90 प्लस फाई, जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो। ये बना पी साइन थीटा, ये बन जाता है माइनस का क्यू साइन फाई, और ये बन जाता है, उस तरफ फोर्स नहीं है कोई भी, कपल है, कपल भी नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर नहीं है, आर तो सिर्फ ओजेड की तरफ है, तो इसलिए हमने इधर जीरो कहा परपेंडिकुलर टू ओजेड। ये बना बाय रिजॉल्विंग
अलोंग ओ जेड, और ये इक्वेशन बन रही है रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर टू ओ जेड। तो उस परपेंडिकुलर टू ओ जेड जीरो है। उसके बाद हमने कहा मोमेंट्स लेते हैं। मोमेंट्स के लिए क्या बोला, ये तो दो इक्वेशंस आ गई, साथ ही हमने इन इक्वेशंस को ठीक किया कि जब हमारा थीटा प्लस फाई 90 है तो इसका मतलब फाई क्या है, पाई बाय टू माइनस थीटा, तो फाई को बदल देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये नंबर वन है, ये बन गई पी कॉस थीटा थी, कॉस फाई की जगह 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसको साइन बना देगा साइन थीटा। तो ये अब वन से बनी है, वन अब ये हो गई है। ये टू थी, टू अब क्या बन गई, पी साइन थीटा, फाई को 90 माइनस थीटा कहा तो साइन का कोस बन जाएगा, और ये हो गया जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस, देखो पहली में इज इक्वल टू आर है, वन और टू ये बनी है। अब इसके बाद मोमेंट्स की तरफ चलते हैं, टेकिंग द मोमेंट्स। तो मोमेंट्स लेते हैं पहले जेड की तरफ। जेड की तरफ जब मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, लो डायग्राम आपको, ये थर्ड पेज पे आ गई है, शुरू में बनाती हूँ डायग्राम, दोबारा से बना देती हूँ। जितनी बार डायग्राम बनाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, पक्का हो जाता है काम। अब मोमेंट्स ले रहे हैं, तो पहले मोमेंट का जो कंपोनेंट लिया हमने जेड की तरफ ले रहे हैं, तो पी कॉस थीटा का ए के साथ गुना, क्यू कॉस फाई की बी के साथ गुना, और ये के बराबर है। देखो पी साइन थीटा और क्यू साइन फाई की लेंगे, क्यों लेंगे, के साथ। दिस अबाउट एक्सेस ऑफ जेड एंड वाई, अबाउट एक्सेस ऑफ जेड जब लेंगे तो हमारे पास इसका रीजन बताया था आपको उस दिन, ये बनेगा पी साइन थीटा इंटू ए, क्यू साइन फाई इंटू बी, और इज इक्वल टू के। अब इक्वेशन देखो, ए इज इक्वल टू ये, अच्छा दूसरी तरफ जीरो है, जीरो किस तरफ, जीरो के लिए क्या लिखेंगे, अब आप थीटा को तो लिख दोगे 90 माइनस थीटा, और फाइव को लिखोगे 90 प्लस फाइव, तो 90 माइनस थीटा तो ये तो कॉस बनेगा, लेकिन ये बनेगा ए और बी गुना कर लो, क्यू कॉस फाइव जीरो, देखो क्या बनेगा माइनस और ये प्लस, इज इक्वल टू जीरो में माइनस कहीं भी लगा लो बराबर ही हो जाना है, कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ तक करने के बाद अब हम फिर से इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा थीटा था, हमारा फाई था फाइव बाई टू माइनस थीटा, तो फाई को पुट करो, पी साइन थीटा, फाई की जगह फाइव बाई टू माइनस थीटा, तो प्लस ए पी साइन थीटा प्लस बी क्यू कॉस फाई कॉस थीटा, फाई से थीटा में आना चाहते हैं, इज इक्वल टू के। ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी, जीरो वाली, ए पी कॉस थीटा माइनस बी क्यू साइन फाई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये देखो ये प्लस ये है और ये दोनों थीटा में हो गई। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से निकालो ए बटा बी, इस इक्वेशन से निकालो ए बटा बी, ए बटा बी
क्यू साइन थीटा बटा पी कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां से ले लो, ठीक है। यहां से कितनी है, पी बटा क्यू बराबर है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही है ना। तो पुट कर दो, मतलब ये आया था क्यू बटा पी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो यहाँ से आ रहा है पी बटा क्यू, आप यहाँ पुट करो क्यू बाय पी, तो ये बन गया क्यू स्क्वेयर बटा पी स्क्वेयर, यही निकालना था हमने बस। हेंस प्रूव फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। अब आता है सेकंड। सेकंड में वो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ दो फोर्सेस के बीच में, दो फोर्सेस हैं पी और क्यू जैसे पिछला क्वेश्चन था, और आर के उनका रिजल्टेंट है। वो दोनों फोर्सेस आपस में दो अल्फा एंगल पर हैं। पिछले क्वेश्चन में वो 90 डिग्री पर थे, थीटा प्लस फाई, यहाँ 2 अल्फा है इस क्वेश्चन में। तो वो कहता है कि आपको ये एंगल चाहिए, मतलब ये आंसर आना चाहिए। उनका रिजल्टेंट जो है एंड द फोर्सेस आर द नीचे, ये तो आपका आर है पी है, मतलब तो पी और क्यू तो ये हैं निकालने हैं, और मिनिमम डिस्टेंस ये डिस्टेंस है उनके बीच में, मतलब ये आना चाहिए ए प्लस बी। दोबारा समझो, डायग्राम से समझते हैं एक बार, दोबारा ब्लैंक टॉप करते हैं। हमें कहा गया है कि ऐसे दो फोर्सेस हैं जैसे पी और क्यू, थीटा और फाई वही एंगल बना लो, और हमें क्या गिवन है कि थीटा और फाई का जो जोड़ है वो है 2 अल्फा, पहली बात। दूसरी बात, निकालना क्या है, वही रेंज है आर के, वही जेड एक्सिस। एक तो हमें ये ए और बी जो थे ये डिस्टेंस निकालना है कि ए प्लस बी मिनिमम, इनके बीच की मिनिमम दूरी, दूरी ए प्लस बी है ना दोनों फोर्सेस के बीच में, ये हमारी निकलनी चाहिए 2k बटा r cot alpha, 2k बटा r cot। और दूसरी चीज निकालनी है कि जो फोर्सेस हैं पी और क्यू ये कितने होंगे उस टाइम पे, उस टाइम पे फोर्सेस होंगे r/2 sec। ठीक है, ये दो रिजल्ट है, फर्स्ट ये सेकेंड ये, दोनों रिजल्ट हमें चाहिए। बाकी डायग्राम से मैं सब कुछ बुक में देखते हैं इस चीज को, बुक में इसने डायग्राम बनाया पी क्यू एंगल थीटा फाई आर के, वही डिस्टेंसेस ए बी, थीटा प्लस फाई 2 अल्फा, ठीक है। तो हम वही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, सेम आर और जीरो दोबारा लिख देते हैं। देखो पहली इक्वेशन बनी थी कि पी कॉस थीटा और क्यू कॉस फाई आर, इसकी भी यही बन रही है। दूसरी बनी थी जब हमने थीटा को तो 90 माइनस थीटा कहा था तो ये साइन हो गया, लेकिन उसको कहा था 90 प्लस फाई तो माइनस क्यू साइन फाई, ये है जीरो। तो पहली दो इक्वेशंस बन गई। अब मोमेंट्स लिए, मोमेंट्स की भी मैंने अभी जो लिखी थी सेम इक्वेशन दोबारा लिखनी है, एपी साइन थीटा प्लस बीपी बी क्यू साइन फाई इज इक्वल टू के। दूसरी तरफ माइनस ए पी कॉस थीटा प्लस बी क्यू कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो।
ओके, अब देखो अब हम करते क्या है, हमें जो पहुंचना है उसके लिए चलेंगे, हमें ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी निकालने के लिए हमने सबसे पहले तो आर स्क्वायर किया। कैसे किया आर स्क्वायर? 1 और 2 को स्क्वायरिंग और एडिंग करो, करो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो आर स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ, और यहाँ से -2 PQ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 PQ कॉमन, और कॉस ए कॉस भी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस फाइव, और थीटा प्लस फाइव हमें पता है 2 α है, तो एक तरह से आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस 2 α। दूसरी बात, अब एक कम होने के बाद ये तो निकाल देना। नंबर 5, आर इंटू के, 1 और 3 की गुना की तो ये आया, ठीक है, 1 और 3 की गुना करने पर ये आया। इसका मतलब है इसी इक्वेशन में ये देखो, ये आपकी है 3, 1 और 3 की गुना की ये 1 है, ये है 1 और ये है 3, इनकी गुना कर ली। 2 में भी 0 है, 4 में भी 0 है, तो अगर मैं 2 और 4 की इस्तेमाल करती हूँ तो पी साइन थीटा और क्यू साइन फाई बराबर है, तो मैं सारा फाई खत्म कर दूंगी। गुना करने के बाद मैंने जहाँ फाई था क्यू साइन फाई था, तो इसकी वैल्यू क्या रखूंगी? देखो यहाँ से क्यों साइन फाई पी साइन थीटा के बराबर है, तो मैं इसको पी साइन थीटा कर दूंगी। और लास्ट में आपके पास यहाँ दोबारा ध्यान दो, पी साइन थीटा एपी कॉस थीटा था, उसकी जगह बी क्यू कॉस फाई, 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्यू साइन फाई अपनी जगह, बी क्यू कॉस फाई की जगह एपी कॉस थीटा, इनको पलट दिया। जो ये इक्वेशन है बी क्यू कॉस फाई बराबर है एपी कॉस थीटा, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ एपी कॉस थीटा है तो वहां तो कर दिया बी क्यू कॉस फाई, फायदा क्या हुआ? साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ कॉस थीटा साइन फाई, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया, पी क्यू बाहर निकाल दिया, बी भी कॉमन हो गया, ये बी वाला यहाँ से बी यहाँ से पकड़ेंगे, तो हमारे पास दोनों जगह साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन थीटा प्लस फाई कॉमन आ जाएगा और उसे कह देंगे साइन 2 α। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि आर के बराबर है ए प्लस बी पी क्यू साइन 2 α, ए प्लस बी पी क्यू साइन। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? आर के बटा पी क्यू साइन 2 α। अब हमने तो ए प्लस बी को मिनिमम करना है, हमने क्या करना है इसको, तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा, नीचे डिनोमिनेटर में है तो साइन थीटा या पी क्यू, उसने पी क्यू किया, 2 α तो फिक्स्ड है, गिवन है, इसलिए तो बदल नहीं सकता, तो उसने कहा पी क्यू कैसा होना चाहिए मैक्सिमम। कोई भी चीज़ मिनिमम कब होती है? जब उसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, तो पी क्यू मैक्सिमम। पी क्यू मैक्सिमम कब होगा? पी क्यू मैक्सिमम होगा जब हमारा आर स्क्वायर था, हमने उसको दोबारा लिखा कि आर स्क्वायर आया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस 2 PQ और कॉस 2 α, यही था, तो कॉस 2 α को 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर दिया। अब देखो इसमें पी प्लस, इसको तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 2 PQ कह सकते हैं,
स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर मैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू। मैं इसकी जगह लिख रही हूँ तो प्लस टू पी क्यू एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ये प्लस टू पी क्यू कॉस टू अल्फा है, तो इसमें से टू पी क्यू अगर कॉमन ले लूँ तो वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू और टू फोर हो गए, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि फोर मतलब पी माइनस क्यू, पी क्यू मैक्सिमम कब होगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, फोर पी क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन आई है फोर पी क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू फोर पी क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये चीज़ जीरो हो जाए, क्योंकि घट रहा है ये, इसका आंसर मैक्सिमम तब होगा जब ये घटा वाली चीज़ जीरो हो जाए। ये जीरो होने का मतलब पी और क्यू बराबर हो जाए, पी और क्यू बराबर होते ही हमारा जो इक्वेशन थी, पी और क्यू बराबर होने का मतलब है कि हमारा आर स्क्वायर क्या हो गया, फोर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया फोर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई, आर बटा दो और कॉस अल्फा, यानी कि आर बटा दो ऊपर सीकेंट अल्फा, और यही क्यू, तो पी और क्यू का इसके बराबर यही प्रूव करना था। दूसरी बात, जो मिनिमम डिस्टेंस ए प्लस बी था, वो डिस्टेंस ए प्लस बी कितना निकला था हमारा, हमारा आ रहा था वो डिस्टेंस ये आर के बटा पी क्यू साइन टू अल्फा, यही था ना, ये देखो। तो उसने क्या किया, वहां पर आर की जो वैल्यू पुट कर दी के अपनी जगह, नीचे पी क्यू बराबर हो गया साइन टू अल्फा, ये था आर के बटा पी क्यू साइन टू अल्फा। अभी आर आपने निकाला है यहाँ से, टू पी कॉस अल्फा पुट कर दो के अपनी जगह, पी क्यू पी स्क्वायर हो गया साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कैलकुलेट करके वही आंसर पहुंचा दिया, टू के बाय आर कॉट, ये हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है यहाँ। तो